राजधानी दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के पर्यावरण में हो रहे बदलाव को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस साल लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ा, वैसे ही पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव लोगों को झेलना पड़ रहा है। वहीं उसी लेकर हरित क्षेत्र बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम केजरीवाल ने 10 गारंटी का वादा किया था, जिसमें एक थी कि 5 साल के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाएंगे, मगर हमें खुशी है कि हमने 4 साल में ही यह लक्ष्य पूरा किया है। इसी बीच मंत्री गोपाल राय ने पेड़ काटने के मसले पर भी DDA को भी घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के छतरपुर के अंदर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि फरवरी में DDA ने 1100 पेड़ बिना किसी परमिशन के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए काट दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यह पूछ रहा है कि किसके आदेश से दिल्ली में यह पेड़ काटे गए। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ इंजीनियर्स के मेल सामने आए हैं। वहीं LG के मौखिक आदेश पर वहां का दौरा हुआ था और LG के आदेश पर ये पेड़ काटे गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसका जवाब जानना चाहता है। दिल्ली से शुभ सेठ की खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए, दिल्ली में जिस तरह से इस साल दिल्ली के लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ा, जिस तरह से पर्यावरण में लगातार बदलाव का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर ये काफी गंभीर है। और इसलिए दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए, हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से 10 गारंटी का वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में ये 10 काम हम पूरा करेंगे। उसमें से एक गारंटी थी, जो प्रमुख गारंटी, कि दिल्ली में 5 साल के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को, हरित क्षेत्र को और बढ़ाया जा सके। हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर काम करने वाली सभी एजेंसियों के साथ मिल करके हमने 4 साल में ही 2 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया। और इस साल हीट वेव के बाद लगातार लोगों की चिंता और बढ़ी है, जिसको देखते हुए 64 लाख पौधे अगले वित्तीय वर्ष में 1 साल में लगाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के।